बेंट ओवर डंबल रो विद सुपर सेट पुलअप्स। इसमें आपको दो एक्सरसाइज को अल्टरनेटिंग परफॉर्म करना है। पहले एक सेट आपको बेंट ओवर डंबल रो के करना है, जिसके आपको 10 से 12 रिपीटेशन सही फॉर्म के साथ करना है। जब भी आप डंबल को ऊपर की ओर लेकर आए तो बैक मसल को स्क्वीज जरूर करें और बिना कोई रेस्ट लिए पुलअप्स एक्सरसाइज के 10 से 12 रिपीटेशन करें। इस सुपर सेट से बैक तेजी से चौड़ी और बड़ी बनती है। वन आर्म डंबल रो। इस एक्सरसाइज को आपको एक हाथ से परफॉर्म करना है। अपने ताकत के हिसाब से डंबल को लेकर फ्लैट बेंच के सपोर्ट से खड़े हो जाए। बैक को टाइट और चेस्ट को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा ले। डंबल को ऊपर की ओर लेकर आए तो एक सेकेंड के लिए होल्ड करे और बैक मसल को स्क्वीज करे, और नीचे लेकर जाए तो लैट्स मसल को स्ट्रेच करे। इससे भी हमारी बैक काफी तेजी से बड़ी और चौड़ी बनती है। इसके आपको 3 सेट और दोनों हाथों से 10 से 12 रिपीटेशन करना है। डंबल पुलओवर। इस एक्सरसाइज को आप चेस्ट या बैक वर्कआउट के दिन परफॉर्म कर सकते हैं। फ्लैट बेंच पर क्रॉस बॉडी से लेटकर इसे करना है। जब भी आप डंबल को अपने सिर के पीछे लेकर जाए तो 1 सेकंड के लिए होल्ड करें और लैट मसल को अच्छी तरह से स्ट्रेच करें, और ऊपर लेकर आए तो लैट मसल को स्क्वीज करें। इससे भी हमारी बैक काफी तेजी से चौड़ी बनती है और बैक को वी टेपर शेप मिलता है। साथ ही में हमारे लोअर चेस्ट का फैट भी कम होता है। डंबल रिवर्स ग्रिप रो वी सुपर सेट वाइड ग्रिप चिन अप्स। यह भी काफी अच्छी सुपर सेट एक्सरसाइज है। सबसे पहले आपको एक सेट रिवर्स ग्रिप डंबल रो के करना है, जैसे कि वीडियो में दिखाया है। इसके आप 10 से 12 रिपीटेशन करें और बिना कोई रेस्ट लिए वाइड ग्रिप चिनअप्स एक्सरसाइज के 10 से 12 रिपीटेशन करें। इस सुपर सेट के आप 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। बेंट ओवर डंबल रिवर्स फ्लाई। वीडियो में दिखाए मुताबिक नॉर्मली बेंट ओवर पोजिशन में खड़े हो जाए। हल्के वेट डंबल का इस्तेमाल करें। जब भी आप डंबल को फ्लाई की पोजीशन में लेकर आए तो 1 सेकंड के लिए होल्ड करें और रियर डेल्ट मसल को स्क्वीज करें। काफी अच्छी एक्सरसाइज है अपर बैक और शोल्डर मसल के लिए। इसके भी आप 3 सेट और सही फॉर्म के साथ 10 से 12 रिपीटेशन करें। हाइपर एक्सटेंशन। लोअर बैक की फैट को कम करने के लिए और लोअर बैक को मजबूत बनाने के लिए आप अपनी रूटीन में हाइपर एक्सटेंशन को जरूर ऐड करें। इसे आप एज ए फिनिशिंग के तौर पर परफॉर्म करें। वीडियो में दिखाए मुताबिक बेंच पर आपको इसे परफॉर्म करना है। आप इसमें हल्के वेट प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप बॉडी को ऊपर की ओर लेकर आए तो 1 सेकंड के लिए होल्ड करें और लोअर बैक मसल को स्क्वीज करें। 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन इसके भी करें।